अजमेर में ट्रेवल्स कंपनी के नाम पर फर्जी ई टिकट और तत्काल टिकट बनाने के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ बुधवार को आरपीएफ पुलिस ने किया। कचेरी रोड स्थित कृष्णा ट्रेवल्स पर फर्जी ई टिकट और तत्काल टिकट बनाने की शिकायतों के बाद आरपीएफ पुलिस ने कृष्णा ट्रेवल्स के कर्मचारी पीताम्बर को गिरफ्तार कर मौके से कंप्यूटर सहित अन्य जरूरी दस्तावेज और प्रिंटर जब्त कर लिए। साथ ही 18 टिकट और 36,205 रुपए की नकदी भी बरामद की। आरपीएफ द्वारा गठित टीम में सीआई महावीर सिंह, राजकुमार, सब इंस्पेक्टर राहुल जानू, हेड कांस्टेबल अशरफ अली, ओम प्रकाश, रमेश आदि शामिल थे। रेलवे बोर्ड से और उच्च अधिकारियों से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। मुखबिर खासों से सूचनाएं मिल रही है कि टिकटों का जो एक टिकटिंग होती है, तत्काल टिकटिंग होती है, उसमें टिकट बनाकर व्यक्ति अजमेर के नानदी का व्यापार कर रहे हैं और टिकट बना बना के अपनी व्यक्तिगत पर्सनल यूजर आईडी के ऊपर टिकट बना के तत्काल में और अधिक पैसे कस्टमर से लेके पैसेंजर से लेके वो बेच रहे हैं। उसी शिकायत पर हमने आज कचहरी रोड के ऊपर रेड किया। उसमें श्री कृष्णा ट्रैवल्स है, वहाँ पर हमें कुछ टिकट जब्त हुए और उसकी कार्रवाई भी चल रही है। हम दुकान के ऊपर काम कर दुकान के मालिक को और दुकान पे काम करने वाले उसके व्यक्ति को हम ले आए हैं। अभी जाँच हमारी चल रही है, कार्रवाई हमारी सब है। पीताम्बर और मांगीलाल, ये रेल अधिनियम की धारा है 143, जिसमें अनाधिकृत रूप से अवैध टिकटों का व्यापार होता है।